अब मेरे कुछ भाई सोच रहे होंगे कि ये तो सब सोर्स ने बता दिया, क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कैसे तरीके से करना है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया है कैसे हम कैसे एग्जामिनर हमें देते हैं क्वेश्चन और कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है अ मिक्सचर कंटेनर मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसकी रेशो 9:4 है। देखिए बस आप यहां ध्यान दीजिए, जिसकी रेशो 9:4 है हमने उसमें ऐड कराया है 4 लीटर वाटर, हमने उसमें 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, जिसके बाद उसकी रेशो मिल्क और वाटर की 3:2 हो जाती है। तो इन्होंने पूछा है फाइंड ओरिजिनल क्वालिटी। अब यहां पर बस एक सोचने वाली चीज ये है कि इन्होंने ओरिजिनल क्वालिटी पूछा है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ओरिजिनल और फाइनल इसकी जगह पर फाइनल भी दे सकते हैं, ओरिजिनल और फाइनल में क्या फर्क होता है, मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं अभी देखिए। तो इसने ओरिजिनल क्वालिटी पूछा है इसकी, आइए हम करते हैं। मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 9:4 लीटर हमने इसमें ऐड करा है वाटर को। देखिए सब शॉर्ट्स में हो रहा है, बस समझिए आपको जो मैंने समझाया ना बस ऐसे ही करना है। इसके बाद इसकी रेशो 3:2 हो जाती है। अब हमने इसमें ये मिल्क है ये वाटर है, वाटर ऐड कराया तो वाटर की रेशो पर ही चेंज होगा, इस रेशो पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मिल्क की। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको इक्वल करने के लिए 3:9। तो इसको और भी सॉर्ट्स करने के लिए अगर आपकी रेशो कट हो रही है किसी तो आपको कट कर देना चाहिए, ये 1 और ये आ जाएगा 3। अब आएगा 9:4 और 3×3 = 9, ये आ जाएगा 6। देखिए दोस्तों मिल्क और वाटर की रेशो पर यहां पर फर्क पड़ता है। अब इसमें इन्होंने कहा था वाटर ऐड करने के लिए, तो वाटर ऐड यहां पर हो रहा है, इसकी रेशो पर ही फर्क पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें ऐड करा है वाटर। मिल्क की रेशो हमने सेम करनी होती है क्योंकि उन्होंने वाटर ऐड करने के लिए कहा है। अब देखिए यहां पर फर्क हो रहा है रेशो का 2 का, यहां पर हमने ऐड करा है 4, एक वॉल्यूम हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी 4/2 के। अब इन्होंने पूछा है ओरिजिनल और फाइनल। अब देखिए दोस्तों इस सब पर देखिए आप, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना इस पर देखिए, ओरिजिनल पूछा है तो ये होगा हमारा ओरिजिनल और ये होगा हमारा फाइनल। तो इन्होंने ओरिजिनल पूछा है ये हो जाएगा 13, फाइनल अगर पूछते तो ये हो जाता 15। तो ओरिजिनल पूछा है तो 13 ओरिजिनल है हमारा टोटल वॉल्यूम, इसको ऐड करके देख लेते हैं 9 और 4 13 आ जाएगा। अगर फाइनल पूछता तो इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये 15 आ जाएगा। तो 13 2 के साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो 13 क्योंकि हमारा चेंज जो आ रहा है वो 2 यूनिट का आ रहा है तो ये आ जाएगा 26 लीटर। तो पहले जो कंटेनर में वॉल्यूम था वो 26 लीटर था, ये आपका आंसर है। अगर इसी में ही मैं चलो आपको यहां पर ओरिजिनल रफ कर देता हूं, यहां पर उन्होंने फाइनल बोल दिया, यहां पर भी सब अगर उन्होंने यहां पर ही फाइनल बोल दिया, आप इसका जो मैंने अभी समझाया आप उसको एक बार ट्राई करिए, फाइनल बोल दिया, वीडियो को पॉज करिए आप एक बार देखिए जरूर ट्राई करके, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर उन्होंने फाइनल बोल दिया तो क्या होता है। अब इन्होंने कराया ये हमें इक्वल करनी है रेशो, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 6। अब सेम वही है, फाइनल पूछे या ओरिजिनल पूछे ये स्टेप तो आपको करने ही करने हैं। तो 2 और 4 के इक्वल है, 1 यूनिट आ जाएगी 2 के इक्वल, यहां पर था वो जो फर्क मैं आपको बोल रहा हूं। आप एक बार अभी भी वीडियो को पॉज करिए और देखिए ओरिजिनल और फाइनल मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिनल हमेशा ऊपर वाला होता है, फाइनल जो हम बनाते हैं वो होता है ये रहा ओ और एफ, एफ से लिखा हुआ है, ओ मीन्स ओरिजिनल और एफ फाइनल। तो ओरिजिनल हमने अभी निकाला था 13 यूनिट था, हमें फाइनल निकालना है ये रहा, तो ये आ जाएगी 15 फाइनल, जो फाइनल वॉल्यूम हमने बताना है उन्हें, तो 15 की हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारा यूनिट बैर भी है, तो ये आ जाएगा 30 लीटर। देखिए दोस्तों अब आपको यहां पर भी सोचने वाली बात है, देखो हमने ओरिजिनल निकाला था 26 लीटर आया था, हमें अगर हमारा आंसर चेक करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं है, हमने इसमें 4 लीटर ऐड करा था, ओरिजिनल निकाला तो 26 लीटर आया, फाइनल निकाला तो 30 लीटर आया, आप 30 में से 26 को माइनस करोगे तो 4 लीटर आ जाएगा। देखिए ये 4 लीटर वही है जो हमने उसमें ऐड कराया, इसके बाद आपका आंसर आया है 30 लीटर फाइनल और ओरिजिनल आया आपका 26 लीटर। तो आप इसे चेक कर सकते हैं 4 लीटर से, यहां पर भी 4 यहां पर भी 4, अगर सपोज आपका यहां पर 5 होता ना तो इसके बाद यहां पर भी आपका 5 लीटर ही आता आंसर। आप ये चेक कर सकते हैं खुद से, एक बार ट्राई जरूर करिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए आप अपने तरफ से एक बार जरूर इस क्वेश्चन पे, और ये आपका
लैंग्वेज है, कैसे क्वेश्चन वाले पूछते हैं, इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन 30 सेकंड में करना होता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है और कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप एक बार ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दीजिए। अब ए रेशो बी दे रखा है 3:7, बी रेशो सी दे रखा है 2:5 और सी रेशो डी दे रखा है 1:2। आप जो मैंने आपको बताया था, एक ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला, एक मैंने पड़ोसी मेथड बताया था, आप इसको जरूर ट्राई करिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क समझ लीजिए या आप अपना प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ये क्वेश्चन करने आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, इसका डी ये निकालना है आपको। तो कुछ क्वेश्चन और देता हूं, उन सबके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये आप मिल्क और वाटर के मिक्सर का ले लीजिए क्वेश्चन, 2:7 है, एक मिल्क और वाटर का रेशो है 7:2, और मिल्क और वाटर की फाइनल रेशो बतानी है हमें कितनी है, ये बताना है। बहुत इजी है, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वॉल्यूम चेक करनी है, वॉल्यूम चेक करने के बाद मिल्क को मिल्क में ऐड करना है, वाटर को वाटर में ऐड करना है और डायरेक्ट रेशो लिख देना है। कुछ मत सोचिए आप, कुछ भी मत सोचिए, मैंने सब कुछ आपको करा रखे हैं। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस बेस पे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मिल्क और वाटर रेशो प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसी बेस पर होते हैं। अब एक मिल्क वाटर का रेशो ले लेते हैं, अब इसमें हमें बोल देता है कि इसको 3:4 में हमें लेना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, ये भी आपको करना है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सेम ऐसे ही करना है। पहले इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम इक्वल अगर आ जाती है तो 3 पार्ट इसमें ले लेते हैं, 4 पार्ट की मल्टीप्लाई करके इसमें ले लेते हैं, बाद में एक और वाटर को ऐड करके हम उसका रेशो निकाल लेते हैं। ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, ट्रिक आनी चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा, भरोसा रखिए अपने आप पर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इनकम और एक्सपेंडिचर से, ये इसका फॉर्मूला है ए रेशो बी, ये देखिए, ये ए और बी की इनकम का जो रेशो है वो है 2:7, एक्सपेंडिचर ए और बी की इनकम का है 3:2 और सेविंग जो इन दोनों ने करी है वो 1000 ईच करी है। तो हमें इसमें निकालना है इनकम, हमें इन दोनों की इनकम फाइंड आउट कर रखी है, करनी है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, सेम आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, देखिए एक बार जरूर और इसका इनकम निकालिए, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके प्रैक्टिस के लिए, और इससे बेहतर कुछ करने की कोशिश रहेगी, आपको समझाने की कोशिश रहेगी, टाइम आपका कम होगा तो आप बेहतर कुछ कर पाएंगे और बहुत इजीली आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।